दोस्त आप एक कमेंट देखिए, इधर बगल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि भाई स्विगी का अकाउंट मेरे पापा का है, लेकिन काम हमें करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना। तो रिप्लाई तो छोड़ दो, हम तो प्रॉपर वीडियो ही लेकर के आ गए हैं। तो दोस्त बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि जोमैटो स्विगी कंपनी में किसी और की आईडी लेकर के हम जॉब कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्या क्या नुकसान होगा उसके बारे में आप हमें बताइए। चलिए दोस्त इन भाई साहब का रिप्लाई करते हैं और इनके साथ में आप लोगों का भी रिप्लाई देते हैं। वीडियो को आप एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, व्हाट्सअप वगैरह पे सब जगह पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। दोस्त चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, नीचे लाल कलर का बटन दिखेगा उसे दबा करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करिए। अब दोस्त देखिए इनके बताने के हिसाब से इनको अपने पापा की आईडी लेकर के जॉब करना है, इसका मतलब इनके पापा को कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, तो ये भाई साहब सोच रहे हैं कि चलिए मैं ही जो है कि थोड़ा सा अपने फैमिली को सपोर्ट कर दूं। तो देखिए मैं खुले शब्दों में आपको ये बता दूं कि ये चीज़ें इलीगल हैं, ठीक है। कंपनी ऐसा नहीं बोलती कि आप किसी और की आईडी लेकर के और जॉब करो, ये चीज़ बिल्कुल रॉन्ग है, कंपनी इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। अब इसके पीछे के मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्या है। अब आपको शायद जवाब मिल गया होगा कि किसी और की आईडी लेकर के तो आप जॉब नहीं कर सकते हो, लेकिन सुन लो थोड़ा सा नॉलेज रहेगी आपको, तो किसी और को नॉलेज देने में थोड़ा सा आसानी होगा। देखो दोस्त, जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हो तब वहाँ पर कंपनी आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर लेती है, ठीक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट लेती है और उसके बाद में आपका एक प्रोफाइल पिक्चर लेती है। तो दोस्त अब उस आईडी पर सिर्फ आप ही जॉब कर सकते हो। अब अगर कोई अदर व्यक्ति उस आईडी पर जॉब करेगा तो वो अपना प्रोफाइल पिक्चर उसमें प्रोफाइल फ़ोटो देगा तो वो प्रोफाइल फ़ोटो मैच नहीं करेगा। मैच ना होने की वजह से कंपनी को पता लग जाएगा कि इस आईडी से कोई और जॉब कर रहा है, तो फिर कंपनी क्या करेगी, उस आईडी को बंद कर देगी। देखिए आपको कोई घर पर आपके मना थोड़ी ना करने आएगा, आप लेकर के आईडी निकल जाओगे जॉब करने लग जाओगे तो कोई आपका हाथ तो पकड़ नहीं लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी आईडी एक दिन, दो दिन, चार दिन, हफ्ते भर, महीने भर कब बंद हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कंपनी को जैसे ही पता लगेगा कि किसी और की आईडी है और कोई और जॉब कर रहा है तो आपकी आईडी 100-200% आपकी आईडी बंद हो जाएगी, कोई रोक ही नहीं सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई देखो कंपनी जिसको एक्सेप्ट करती है उसका सारी चीज़ें चेक करती है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कैसा बैकग्राउंड है, क्या है, सारी चीज़ें उसका चेक करती है कंपनी। अब कंपनी उसी व्यक्ति को एक्सेप्ट कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसकी आईडी लेकर के कोई भी जॉब करेगा जिसको कंपनी ने देखा भी नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं चेक किया, उसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, क्या नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है, तो कंपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट थोड़ी ना करेगी, तो ये चीज़ें तो इलीगल है। तो गाइस क्वेश्चन का आंसर यही है कि आप जॉब नहीं कर सकते हो, और क्यों नहीं कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर भाई देखो कर नहीं सकते हो, ये तो इलीगल है, कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती, और करोगे तो आपको क्या नुकसान होगा, आईडी तुरंत बंद हो जाएगी, हफ्ते भर, महीने भर में कब बंद हो जाए कोई गारंटी नहीं, और फिर इस तरीके की आईडी कभी ओपन हो भी नहीं सकती। तो दोस्त आपको जवाब मिल गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना। हम अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।